नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आम आदमी पार्टी की 29 तारीख को रैली है, उसको लेकर सभी नेता तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए चित्रा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चित्रा, किस तरीके की तैयारियां हैं और लोगों के बीच में जा रहे होंगे, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, तैयारियां हमसे पहले ही शुरू हो रखी थी रैली की, और मैं ये कहूँगी कि इस रैली को लेकर हमने, कहते हैं ना, हिटिंग द ग्राउंड, उस स्ट्रैटेजी पे हम चले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जनसंपर्क कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाके मिल सके, चाहे गांव गली मोहल्ले थे। और जब हम जा रहे हैं, जैसे राजनीति में हम हमेशा रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और रैलीज़ के आह्वान पहले भी करे हैं, अब की बार फ़र्क ये देखने को मिला है कि हमें उन लोगों ने भी आके प्रोग्राम्स के लिए खुद इन्वाइट किया जो एक तरह से आप कहेंगे तो नॉन पॉलिटिकल हैं। यंगस्टर्स जो पहली बार पॉलिटिक्स में आए हैं, ऐसे बच्चे भी जिनकी फैमिलीज़ भाजपा में हैं लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा भी हम आपका प्रोग्राम कराना चाहते हैं, उनके एरियाज़ में जब गए तो महिलाएं, हमने सोचा शुरू में जैसे 25 महिलाएं हैं तो, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम जमने लगा तो वी सॉ ऑलमोस्ट 50% वुमेन पार्टिसिपेशन, 50% के करीब महिलाओं की पार्टिसिपेशन हर प्रोग्राम में दिखी। और जो ये कंसर्न्स हैं हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, नशे को लेके, भ्रष्टाचारी को लेके, सुरक्षा को लेके, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हर नागरिक को छू रहे हैं। और पंजाब ने लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगा दिया है कि सत्ता कोई पार्टी लेके नहीं जाएगी, हम जिसे देंगे वहाँ जाएगी। तो इस कॉन्फिडेंस से, इस बदलाव की होप से, दिल्ली की कंसिस्टेंस जो उनकी एक के बाद एक बयाद एक जो उनकी लगातार परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखते हुए, अब लोग बदलाव के मूड में हमें नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही ऑर्गेनिक जो क्राउड है, इस तरह की जनता, महिलाओं की बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन, युवाओं की पार्टिसिपेशन हमें रैली में भी मिलेगी। और हम समझते हैं कि आने वाले समय पर हमारा संगठन और सशक्त होएगा। करीब 4 दशक तक निर्मल सिंह जी राजनीति में हैं, आपने अभी बताया था, क्या फ़र्क देखते हैं? आपने पहले भी देखा होगा, जब आप छोटे होंगे उस वक्त भी देख रहे थे और अब भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प जैसे कि आप बता रहे हैं, है क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, चौधरी साहब ने जब कांग्रेस ज्वाइन करी तो 25 साल के युवा थे, लेकिन उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त की कांग्रेस अलग थी, ऊर्जा अलग थी, नेताओं में एक बहुत आपस में सांझ थी, नेतृत्व चाहे वो नेशनल लीडरशिप थे उससे बहुत डायरेक्ट टच में थे, और लीडरशिप को नर्चर करा गया, एक पूरी जनरेशन लीडर्स की पैदा करी गई थी। समय के साथ मैं समझती हूँ हर पार्टी जो है उसमें दिशा में, उसकी एनर्जी में एक इनर्शिया आ जाता है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी में, ना जस्ट कांग्रेस में, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है, भाई हमने काम किया, अब हमारे दिन है, हमारे परिवार के दिन है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी में हम जब से आए हमने एक चीज़ देखी, वो है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे पद लेके कोई बैठ नहीं सकता है घर के अंदर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात को जान के कि डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स की डेली जूम मीटिंग होती है मॉर्निंग में गुप्ता जी के साथ, और ये 2 साल से चल रही है। तो ये जो ग्राउंड वर्क है, ये जो डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ एक सादगी है, पद लिया है तो काम भी करना पड़ेगा, जिम्मेवारी है तो आपसे पूछा भी जाएगा, आप कोई बात हवा में करके उससे निकल नहीं सकते, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं समझती हूँ जैसे परीक्षा में कहते हैं कि पढ़ाई कर रखी होगी तो पास भी होगे, ये मेहनत जिसने ग्राउंड में, संगठन में, लोगों के साथ कर रखी होगी वही पार्टी आगे निकलेगी। आपके फादर की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और जब से उदयभान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ये अटकलें तेज़ हो गई हैं कि चित्रा और उनके फादर निर्मल सिंह जी दोबारा से कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ले आएंगे जब चुनाव आएगा। इसमें कितनी, मतलब जो अफवाहें कह लीजिए या जो बातें चल रही हैं, कितनी सच्चाई हैं, और क्या आप ये अश्योर करती हैं कि 2024 का चुनाव आप आम आदमी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे? येस, आई अश्योर यू, चौधरी निर्मल सिंह जी भी आपको अश्योर करेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के साथ ही चलेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके पूरे परिवार के साथ हमारा एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। वो रिश्ता हम पहले भी कहते थे कि राजनीति से परे था, हम हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जब बना ली तो उस वक्त भी दीपेंद्र जी घर आए थे, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, उसको पूछने के लिए। आंटी हैं आशा हुड्डा जी, हमेशा टच में रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जिम्मेवारी, लोगों की तरफ जवाबदेही, और राजनीतिक जो है झंडा उठा के कैसे चलना है, वो मैं समझती हूँ फैसले कई बार हमें इस रिश्ते से ऊपर उठकर लेने पड़ते हैं, चौधरी निर्मल सिंह जी ने लिए हैं। उनको कोई आज तक कह नहीं सकता कि जो कहते हैं उससे हट जाते हैं या बोल के पीछे हो जाते हैं, जिसके साथ हैं अपने साथी को छोड़ देते हैं। तो इसी बात से मैं कहूँगी कि हमें भरोसा है और जनता को भी भरोसा है कि अब हम केजरीवाल जी के साथ हैं, उनके साथ ही चलेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों में कुछ ऐसी खबरें पंजाब से भी आई हैं कि हाथ इधर है उधर है, इन तमाम चीज़ों को, और हरियाणा में जिस तरीके की हालात फिलहाल को, आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो आम आदमी पार्टी के साथ होगा इन तमाम चीज़ों के बाद, और जो कल एक्शन लिया है विजय सिंगला पर उसके बाद कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं समझती हूँ कि आप इसे एक राजनीतिक पार्टी और नेता की तरफ से मत देखिए। आम आदमी, जनता बहुत खुश है कल जो फैसला लिया गया है पंजाब में, और भ्रष्टाचार की तरफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, मैं समझती हूँ इट रेजोनेट्स, हर किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, आम आदमी का पार्टी का ग्राफ इसके ऊपर ही जाएगा। ये बात ज़रूर है, आज जो भी आदमी आके आम आदमी पार्टी की टोपी और झंडा उठाएगा उसे एक अग्नि परीक्षा को तो पार करना ही पड़ेगा, लेकिन ये परीक्षा मैं समझती हूँ कि जो कर लेगा उसके साथ लोग भी होंगे, उसके साथ कल एक काम करने का उसके साथ मौका भी होगा। जो भी आम आदमी पार्टी फैसले, आज पहली बार नहीं है, जब पहली बार सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत नहीं थी, संगठन गठबंधन के साथ ये सरकार चला सके थे। डे वन से केजरीवाल जी ने एक बात कर दी थी कि नो कॉम्प्रोमाइज़, हम अपने आप को किसी ऐसी पोजीशन में नहीं डालेंगे जहां हमें कोई दबाए, कोई ब्लैकमेल करे या हमारे से गलत काम करवा ले। हमें जनता समझती है कि हमें मौका देना चाहिए तो वो देगी, नहीं देती तो हम इस बात को भी सर माथे पे रखेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, जो ये मुफ्त में चीज़ें देने का एक चलन है, योजनाएं आपकी आप सरकार चलाती है, आप कैसे देखते हैं इसको, ये होनी चाहिए? देखिए, मुफ्त का अगर हम सवाल उठा रहे हैं ना, तो यूपी के चुनाव को भी खंगालना चाहिए। यूपी के चुनाव में जब तक चुनाव नहीं हुआ था तो अखबार की हेडलाइन होती थी मोदी जी और शाह जी की फोटोग्राफ के साथ, जहाँ लिखा होता दुगुना राशन मिलेगा, मुफ्त ही मिल रहा था। और मैं कहूँगी कि मुफ्त कोई भी दे, आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं इसको कह रही हूँ कि नहीं, पहली बात ये मैंने मुद्दा इसलिए कहा है कि ये मुफ्त का जो शब्द है ये आम आदमी पार्टी से अकेला नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, मुफ्त का कोई भी मॉडल बहुत दूर तक नहीं चलता। मोदी जी के मॉडल्स भी चुनाव से पहले लॉन्च होते हैं और चुनाव के बाद ऑफर बंद हो जाते हैं उनके। आम आदमी पार्टी जिस दिन से आई है इन्होंने इसको मुफ्त के उसमें नहीं करा, इन्होंने किफ़ायत की बात करी है। टैक्स पेयर कोई भी चीज़ मुफ्त आज हिंदुस्तान में कोई ले नहीं सकता, हम सब टैक्स पे करते हैं, माचिस की डिब्बी पे भी एक महिला टैक्स पे करती है। इन्होंने उस टैक्स में से भ्रष्टाचार और लीकेज खत्म करी है, उस टैक्स की मनी को इन्होंने इस तरह से करा है कि एक एक पाई जो है आम आदमी तक पहुंचे। और आप दिल्ली का बजट देखिए, 24,000 करोड़ का बजट जो है आज 45,000 करोड़ का हो गया, वो तो कहीं मुफ्त से नहीं आ रहा, और दिल्ली की सरकार किस हालात में काम कर रही है हम जानते हैं। और साथ ही में अभी जो ये बजट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, आज वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार जो है मैं समझती हूँ किसी भी तरह से मुफ्त खोरी नहीं, किफ़ायत के कार्यक्रम पे है, और जनता का पैसा जनता को देने में ये खुद खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ये बातें इस तरह से पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा सरवारा, मेरे साथ थी आम आदमी पार्टी की नेता और कई मुद्दों पर बात की। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत, नमस्कार।